कहता है एक ब्लॉक है हम लोगों के पास, ठीक है, ब्लॉक है जिसके पास मास एम है, स्मूथ वेज पर रखा जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। तो एक ब्लॉक है जो स्मूथ वेज पर रखा हुआ है और ये इंक्लिनेशन थीटा है। अगर ये स्मूथ वेज है, स्मूथ बोले तो फ्रिक्शन है ही नहीं, यहाँ पे म्यू जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही रखोगे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। द होल सिस्टम इज एक्सेलेरेटेड हॉरिजेंटली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। अब देखो, अब इसको हमें एक्सेलेरेशन देना है, इस तरह से एक्सेलेरेशन देना है कि ब्लॉक स्लिप नहीं करे, ब्लॉक स्लिप नहीं करे, ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो इसको मैं एक्सेलेरेशन किधर दूंगा? अब देखो, इस पे दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा लग रहा है? एक है नॉर्मल और एक है एम जी का एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा, और एक है नॉर्मल को एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? और ये चला गया एम जी नीचे। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं इस वेज को किधर एक्सेलरेट कराऊं जिससे ये ब्लॉक रेस्ट में रहे। पहली बात तो ये सोचो, अब वर्टिकल में मोशन नहीं होगा, अब वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा तो नॉर्मल ने एम जी कॉस थीटा को बैलेंस किया होगा। अगर कोई एम जी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला आएगा तभी तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, और एम जी साइन थीटा को कोई बैलेंस तभी कर पाएगा जब हॉरिजेंटल में एक्सेलेरेशन देना है। तो हॉरिजेंटल में इधर एक सूडो फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं ना, सूडो फोर्स लगेगा, तब उस सूडो का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर लेगा, तब जाके ब्लॉक रुकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक को, इस वेज को इधर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन देना है, इधर, ठीक है। अगर ऐसे बनाए हो तो इधर की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन दोगे तब जाके ये ब्लॉक रुकेगा, ठीक है। अगर एक ब्लॉक रुक गया तो हमें निकालना क्या, फोर्स सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। ये जो वेज है वो ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा, तो वेज ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाता है, नॉर्मल निकालना यार, नॉर्मल ही तो लगाता है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम लोग एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं। इसको एक्सेलेरेशन हम, अगर हम ऐसे बनाए तो इसको एक्सेलेरेशन हम इधर की डायरेक्शन में दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों का ब्लॉक है, और अब फोर्सेस दिखा दो। हम इसी के फ्रेम से देखेंगे, इसी के फ्रेम से देखते हैं, इसी पे चढ़ के देखते हैं वेज पे। तो वेज पे चढ़ के देखूंगा तो सबसे पहले एक मैं सूडो इधर लगा दूँ एम में, इसके अलावा नॉर्मल इधर लगा दूँ, अब एम जी इधर लगा दूँ। दीज आर द फोर्सेज, अगर ये थीटा है तो, ठीक है, ये तीन फोर्स लग रहे हैं। अब देखो, जो एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व करेगा उसके लिए नॉर्मल निकालना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जो एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व करेगा उसके लिए नॉर्मल निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट क्या, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट ऐसे ले लेता हूँ, एक्स वाई ऐसे ले लेता हूँ, तो मुझे नॉर्मल को केवल रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप एम जी को रिजॉल्व करते हो तो सूडो को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से एक्सेलेरेशन निकालोगे, फिर नॉर्मल निकालोगे, दैट प्रोसेस इज लेंदी, कर लेना उसको, ट्राई करना, ठीक है। अब मैं आसान तरीके से इसको कर देता हूँ। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट एन कॉस थीटा ऊपर गया और नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट एन साइन थीटा इधर आ जाएगा। हमें नॉर्मल ही तो चाहिए, तो एन साइन थीटा सूडो को इक्वल होगा, एन साइन थीटा सूडो के इक्वल होगा, और एन कॉस थीटा एम जी के इक्वल होगा। तो जो एन कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की वैल्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा, एक लाइन में सोल्यूशन हो गया ऐसा, ठीक है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप गलती से एम जी साइन थीटा को रिजॉल्व करते हो तो आपका सोल्यूशन हो तो जाएगा पर लेंदी जाएगा, कर दूं, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं एम जी को रिजॉल्व करता हूं तो मुझे दो दो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। एक एम जी साइन थीटा इधर आया, ठीक है, नॉर्मल ऊपर गया, एम जी कॉस थीटा इधर आया, क्लियर है। और जो सूडो है, जो सूडो ऐसे लग रहा है, उस ये थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है, तो सूडो का एक कंपोनेंट इधर आया एम ए कॉस थीटा, और सूडो का एक कंपोनेंट नीचे आया जो होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ज़्यादा एक्सेलेरेशन होगा
ठीक है, तो ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है एम ए कॉस थीटा, क्योंकि एक्सलेशन बढ़ाओगे तो एम ए कॉस थीटा बढ़ेगा, ठीक है। एक देखो एक्सलेशन कम होगा तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, एक खास एक्सलेशन पे वहीं रहेगा, ज़्यादा एक्सलेशन होगा तो ऊपर भी स्लाइड कर सकता है इसके रिस्पेक्ट में। चलो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन लिखो, नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा और प्लस एम जी एम ए कॉस थीटा ना, एम ए कॉस थीटा होगा, तो एम ए कॉस थीटा आ जाएगा, ये एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस क्या कर रहा हूँ, एम ए नॉर्मल की वैल्यू एम ए साइन थीटा होगा ना, एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से तुम नॉर्मल ऐसे तो निकाल नहीं सकते भाई, ऐसे तो तुम निकाल नहीं पाओगे नॉर्मल, क्योंकि जब तक एक्सलेशन नहीं निकलेगा नॉर्मल नहीं निकलेगा। तो चलो एक्सलेशन निकालते हैं, एक्सलेशन निकालने के लिए रेस्ट में है, तो एम ए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वट एम जी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी एम ने एम को एक्स जी टेन थीटा। अब यहाँ से मुझे एक्सलेशन मिल गया, अब जब यहाँ से मिल गया तो इस एक्सलेशन की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा, इस एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ रखूँगा तब जाके नॉर्मल दिखेगा। तो इस एक्सलेशन की वैल्यू रखोगे तो एम साइन थीटा और एक्सलेशन जी, और टेन थीटा रखोगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, है ना। प्रोसेस देखो थोड़ा सा लंबा चला गया ना, तो यहाँ से एम जी कॉमन ले लो, ठीक है, और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, एम जी अपन कॉस थीटा, दैट इज अ नॉर्मल। देखो सोल्यूशन वही रहेगा, बट अगर आप इंटेलिजेंट वे में, ठीक है, अब नॉर्मल को कंपोनेंट करते हो तो ये एक लाइन में हो जाएगा, दैट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन ब्लॉक, ठीक है। चलो